पार्टियों ने जिस ढंग से काम किया है उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी, पहले तो आपकी मैं लिस्ट को थोड़ा और बढ़ा दूं आगे, जो कांग्रेस से जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें पंजाब के सुनील जाखड़ हैं, उसमें गुजरात से हार्दिक पटेल हैं, और तमाम लोग हैं, जो आनंद शर्मा भी अभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, बड़ा ताजुब की बात है। कुलदीप बिश्नोई तो अमित शाह को फूल उल दे के आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मिल चुके हैं। ये तमाम चीजें हैं कांग्रेस से जो टूट रही हैं। ये दुर्भाग्य है कि देश का जो है एक बड़ा राष्ट्रीय दल, जिसकी आजादी की लड़ाई में भूमिका थी, वो तोड़ रहा है। ठीक है, रीजन है जो, लेकिन एक चीज और भी है विनीता जी, कि हम कुछ नाम ऐसे भी जोड़ लें जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष खिमी राम जी जो है, उन्होंने आके कांग्रेस ज्वाइन। मैं आपको कल परसों की या कुछ दिन पहले की बात है, सतीश सिकरवार है मध्य प्रदेश के जाने माने भाजपा लीडर, ग्वालियर से ही आते, उन्होंने आके कांग्रेस ज्वाइन की। शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी में चले गए, तो भाजपा छोड़कर आए थे कांग्रेस। हालांकि नाना पटोले जो हैं वो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, वो जो है भाजपा छोड़कर आए हैं। बाबुल सुप्रियो को तो आप जान ही रहे हैं, बाबुल सुप्रियो तो मिनिस्टर रहे हैं केंद्र में, और वो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं। लेकिन मात्रा जो है, मात्रा क्या मतलब, संख्या जो है वो ज्यादा बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने में। तो इसका हम सीधा सा एक कारण जानते हैं, और वो कारण है कि 2024 का इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने एक एक जो मुहावरा है ना, तन मन धन, उन्होंने थोड़ा बदल दिया है। तन मन धन और गन, गन का मतलब है फोर्स, गन का मतलब है ताकत। हम भारतीय जनता पार्टी को विकसित करेंगे तन से, मन से, धन से और गन। गन का मतलब है वो ताकत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी की है, जो सीबीआई की है, जो आईटी की। अभी 2 दिन पहले विनीता जी आपने पढ़ा, दुर्भाग्यशाली चीजें हैं, अभी आपने बड़ी सुंदर बात कही, खूबसूरती जो प्रजातंत्र, अभी खूबसूरती प्रजातंत्र की क्या है, 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स का छापा पड़ा एक कांग्रेस के नेता पे। उनको इनकम टैक्स के कमिश्नर ने बोला, अरे आप क्या ये छापा आप आपके ऊपर डालना पड़ रहा है, आप ऐसा करो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में है उनकी तरीके से एक गुट बनाओ और जाकर आप भाजपा में के साथ मिलकर सरकार बनाओ। वो मैसेंजर्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कुछ करना ही पड़ रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कुछ कर भी नहीं रहे। आप बताएंगे या यहाँ का बैठा पैनल बताएगा कि राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? खाली जो है वो राफेल में जाके नींबू और मिर्चा बांध रहा है, इसके अलावा तो उनका राष्ट्रीय किसी उन्नत में योगदान नहीं है। कौन से क्या, नितिन गडकरी कभी कभी बोल लेते हैं लेकिन और कोई भी बोल नहीं रहा है। तो अब जो है भाजपा ये कह, ये सही है, खाली ये मुहावरा नहीं है कि ये ईडी, अब महाराष्ट्र की सरकार जो है, कभी राजनीतिक पत्रकार लोग इतिहास लिखेंगे इसका, तो इसे ना तो कांग्रेस की सरकार बोलेंगे, ना भाजपा की सरकार बोलेंगे, ना शिवसेना की बोलेंगे, इसे वो सीधे बोलेंगे ये ईडी की सरकार। 25-26 लोगों के पास ईडी की फाइल पहुंच गई है, तो मतलब फाइल सर आप उन्होंने ये कह रहे दिखा हैं कि दी ईडी गई। की वजह से बहुत सारे नेता चले गए बीजेपी में बाकी पार्टी छोड़कर। ईडी देखिए, दो चीजें हैं, दो चीजों की वजह से हमेशा भाजपा की ओर लोग जा रहे हैं। पहला डर है और दूसरा लालच है। लालच जी क्या है, अब जैसे नारायण राणे हैं, नारायण राणे का अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी थी, अब उसका जो है कोई वजूद नहीं रह गया था अलग होने के बाद उनको कांग्रेस से, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। तो उसमें क्या है, जिस पर बात होनी चाहिए कम से कम यूट्यूब चैनल्स में होनी चाहिए, कि हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिरी क्यों, महाराष्ट्र की सरकार इसलिए क्यों नहीं, हम कहते हैं कि गिरी की 50-50 करोड़ विधायकों को दिया गया,
इस पर क्यों नहीं बात होती है कि हर जगह जो है विधायकों को तोड़ने के लिए, जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे उनको क्या क्या मिला, इस पर सवाल उठने चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं बोलेगी, कम से कम हम तो बोलें कि आपने लालच भी दिया, डर दिखाया ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का, बल्कि नारकोटिक्स का कंट्रोल ब्यूरो का भी, और आपने साथ में धन भी दिया और क्या दिया, मंत्री पद दिया। अब देखिए मैं आपको बताऊं क्यों, हार्दिक पटेल क्या है, हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता हैं, उन पर एक मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा जिसपे वो तड़ीपार भी हुए। अब उन पर जो मुकदमा हार्दिक पटेल पे चल रहा है उसके उसके साथ वो जो है वापस आए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं हार्दिक पटेल के साथ ही, अब ये जो एकनाथ शिंदे हैं इनके साथ, महाराष्ट्र की सरकार का देख लीजिए, अब वहां हरियाणा की सरकार का देखिए, जो चौटाला साहब के पौत्र हैं क्या हैं, उनको क्या हुआ, इन लोगों को मंत्री पद भी मिलते हैं, साथ में एक सिक्योरिटी मिलती है और मलाईदार कारपोरेशन। अब एक मैं आपको चलते चलते बता दूं कि महाराष्ट्र में जो 50 लोग एकनाथ शिंदे के साथ अलग हुए हैं ना विनीता जी, देखिए अभी और राजनीति बाकी है, उसमें इनको अलाट हुए हैं 13 मंत्री पद। अब 50 तो आपके साथ हैं, उसमें आपको 13 मंत्री पद मिले, तो फिर क्या होगा, जो कारपोरेशन है, जो माडा है, जो MMRDA है, जो दूसरे और जो कारपोरेशन है, रिपेयर बोर्ड है, उनमें कितने को बैठा लेंगे, पूरे के 50 के 50 को तो नहीं बैठा पाएंगे। तब एक टूटन का प्रारंभ होगा, तो जिस लालच और डर ने जी इन सर, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकत्र किया है, वो उनको इसके कारण उनको भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके कारण और भी है कि पार्टियां क्यों नहीं रोक पा रही हैं अपने को, जो मैं अगले सेकंड राउंड में आपको बताऊंगा कि ये पार्टियां क्यों कमजोर हैं, क्यों सुनील जाखड़ चले जाते हैं, क्यों हार्दिक पटेल चले जाते हैं, क्यों जी ज्योतिरादित्य सिंधिया चले बिल्कुल सर, जाते ये हैं, बहुत क्यों नहीं। सीरियस। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।